आज 16 दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है राजस्थान में, और यहाँ 16 दिन में से 2 दिन विश्राम के दिन हुए हैं, और करीब 485 किलोमीटर कवर हुआ है 6 जिलों में, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दौसा और अलवर। मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा का सारांश देंगे, इसकी क्या उपलब्धियां हुई हैं, कांग्रेस पार्टी को, संगठन को, सरकार को, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आज शाम को हम राजस्थान में ही हैं, आज रात का कैंप साइट राजस्थान में ही है, और कल सुबह हम हरियाणा में शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, 24 रात को हम दिल्ली पहुंचेंगे, 9 दिन का विश्राम होगा, और ये विश्राम ये हो रहा है, 9 दिन लग रहा है। पहले हम सोच रहे थे कि 4-5 दिन ही लगेंगे, पर करीब 70 कंटेनर हैं जिसका मेंटेनेंस होना है, और हम पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर जा रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ हीटिंग का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा कंटेनर के अंदर, तो उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम है, टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे कई भारत यात्री 4 महीने से परिवार के पास नहीं गए हैं, केरला में, कर्नाटक में, आंध्रा में वो जाना चाहते हैं, एक लड़की मणिपुर जाना चाहती है, एक हमारे साथी असम जाना चाहते हैं, तो दूर दूर इलाके से आए हैं, तो 2 दिन समय लगेगा दिल्ली आने जाने के लिए। तो हमने सोचा कि 5 दिन नहीं, हम 9 दिन ही करें, तो ये इसमें कोई आप राजनीतिक मीनिंग मत देखिएगा, हालांकि आप देखेंगे और सवाल उठाते रहेंगे, फलाना कहाँ रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, वो कहाँ करेंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो आप चला रहे हैं न्यूज़, वो सब गलत निकलेगा। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी खबर निकालोगे कि इन 9 दिन में कहाँ हैं ये लोग, आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, सब लोग दिल्ली में ही रहेंगे या अपने परिवार के साथ अलग अलग राज्यों में रहेंगे। तो 3 तारीख को हम वापस शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा फेज 2, हरियाणा फेज 2 के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद जम्मू और कश्मीर। कल हरियाणा में हमारा इंटरेक्शन होगा, कल जय जवान दिवस हम मनाएंगे हरियाणा में, पूर्व सैनिक के साथ ज़्यादातर इंटरेक्शन होगा, और 23 तारीख को जय किसान दिवस मनाया जाएंगे, ज़्यादातर किसान के साथ, किसान और किसान संगठनों के साथ मुलाकात होगी राहुल जी से, और उनके साथ भी चलेंगे। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के ओर से मुख्यमंत्री को, पीसीसी अध्यक्ष को, हमारे एआईसीसी प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा से प्रबंध किया, और जो चुनौती कमलनाथ जी ने दी थी 16 दिन पहले, मैं समझता हूँ राजस्थान पूरी तरीके से सफल हुआ है, उस चुनौती को स्वीकारा है, और अगर मुझे कुछ कहना है, 10 में से 10 राजस्थान को मोबिलाइजेशन में, सड़क की गुणवत्ता में हम चल सकते हैं, कोई खतरा नहीं था, और जो रहने का बंदोबस्त भी किया गया है, कैंप 1, कैंप 2, वो सब 10 में से 10। मैं एक ही बात का जो मुझे दुख है कि कई पत्रकार राहुल जी से के साथ चलना चाहते थे, और मैंने भी वादा किया कि मैं कुछ कोशिश करूँगा, पर वो हो नहीं पाया। तो अगर आप हरियाणा में आना चाहते हैं तो मैं हरियाणा में कोशिश करूंगा, दिल्ली में, श्रीनगर तक चलिए, श्रीनगर में कोशिश करूंगा, पर आप यकीन मानिए मेरे प्रयास छूटे नहीं, मैंने पूरा प्रयास किया, पर मेरे बहुत सी मजबूरियां हैं, और आज देखिए कई इंटरेक्शन को हमने कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि आज हमारे संगठन से ज़्यादा लोग जो तो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको मौका नहीं मिला था वो राहुल जी के साथ चले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सब 16 दिन से हमारे साथ चले हैं, हम
हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपसे बहुत सहयोग मिला, कवरेज मिला। हालांकि राहुल जी बार बार मीडिया को टोकते रहते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं, मैंने उनसे भी कहा है कि आप अंग्रेजी अखबार छोड़िए, दिल्ली के अंग्रेजी अखबार छोड़िए, जो रीजनल मीडिया है हमें पूरा कवरेज दे रहा है। और ये मध्य प्रदेश में था, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला, और राजस्थान में हमें अच्छा से कवरेज आप ही के बदौलत हमें मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता था। मैं एक दो और मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद केंद्र सरकार की नीति ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर बदली है। भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधा देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कई बार संसद में सवाल उठाए गए हैं कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देना जरूरी है, जिसका मायने यह है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की ओर से आएगा। जल शक्ति मंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा, मौन रहे, और कुछ ना कुछ सवाल उठाते थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने दो बार जयपुर में और अजमेर में यह आश्वासन दिया था कि ERCP जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले के लिए फायदेमंद होगा वो लागू होगा, वो नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा, पर उन्होंने नहीं किया। प्रस्ताव गया यहां से, योजना बनी, ये 90-10 पर अटका हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बयान आया है केंद्र सरकार की ओर से कि हम सोच सकते हैं 75-25 फॉर्मूला, सोच सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। और दूसरी बात, राज्य सरकार ने उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार घबराई गई कि अगर वो इस मामले में कुछ नहीं करेगी सकारात्मक तरीके से, उनकी कड़ी आलोचना होगी, खास तौर से पूर्वी राजस्थान में। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत जोड़ो यात्रा का। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, गिग इकोनॉमी के बारे में जो अभी अभी अशोक जी ने जिक्र किया, जो ऐप के आधार पर ट्रांसपोर्ट वर्कर होते हैं, अमेजोन के लिए, जोमैटो के लिए, ऊबर के लिए, एक ज़माने में अगर आप ओला कहते थे तो शीशा मोला याद करते थे, आज अभी ओला कहेंगे तो ऐप बेस्ड ओला भी है। तो ये सब नए इकोनॉमी के प्रतीक हैं। यहाँ 60% से भी ऊपर युवा दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, कमजोर समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, सेमी और एमी अर्बन एरिया से आते हैं। और जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री और राहुल जी के बीच में, और राहुल जी का इंटरेक्शन भी हुआ कुछ नागरिक संस्थाओं से, उसका एक नतीजा निकला कि राजस्थान पहला राज्य होगा हिंदुस्तान में जो ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की योजना बनाएगी, और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। ये दूसरी उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर से ग्रामीण इलाके से जो आते हैं, जो सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, कमजोर वर्ग के युवा, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी बात जो राहुल जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री ने भी बार बार कहा है, 2 या 3 योजनाएं हैं राजस्थान में जो सिर्फ राजस्थान में है, और हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हों। मिसाल के तौर से स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी जिसको कहा गया है राजस्थान में, वो किसी और राज्य में नहीं है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल की बात होती है, पर ये है एक मिसाल है राजस्थान मॉडल का। शहरी रोजगार गारंटी योजना सिर्फ राजस्थान में लागू है, वो भी हम चाहते हैं कि सारे
देश में लागू हो, वो भी राजस्थान मॉडल है। और अभी अभी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, राजस्थान पहला राज्य होगा जहां जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है, ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ कानून बनाया जाएगा। और राजस्थान पहला राज्य होगा जहां कानून के आधार पर नागरिकों को एक हक मिलेगा स्वास्थ्य की सुविधा, उनको सिर्फ एक वादा नहीं रहेगा पर वो कानूनी प्रावधान किए जाएंगे, ताकि अगर वो पूरा नहीं हो वो न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हैं, जैसे कि नरेगा कानून है, आरटीआई कानून है। तो राइट टू एक्ट, राइट टू हेल्थ एक्ट, वो भी राजस्थान मॉडल का एक और मिसाल है। तो कई उपलब्धियां हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और राहुल जी ने करीब 8-10 अलग अलग दोपहर को इंटरेक्शन किए, 70 संस्थाओं से वो मिले, बैठकर मिले, 30-35-40 मिनट उनके साथ मिले, दलित संस्था, आदिवासी संस्था, महिलाओं संस्था, अलग अलग संस्थाएं से मिले। मुख्यमंत्री थे, पीसीसी अध्यक्ष भी मौजूद थे, हमारे प्रभारी भी मौजूद थे, कई सुझाव आए, प्रशंसा तो हुई राज्य सरकार की, पर कई सुझाव भी आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में ये नतीजे आपको दिखाई देंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि एक और बड़ी उपलब्धि हुई है भारत जोड़ो यात्रा की, जो सुझाव कल राहुल जी ने दिया अलवर में, कि हर महीने मंत्री यात्रा में निकलेंगे, हर जिले में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री सभी जिलों में यात्रा निकलेंगे। और मैं समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम है, मैंने कहा था आपको पहले दिन, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, मोदी साहब ने पीएम की परिभाषा बदल दी है। ऐसे ही मैं समझता हूं हमारे अशोक जी को सीएम की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। सीएम माने कम्युनिकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं। हमारे में प्रचार हम छूट जाते हैं, हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत उम्दा हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, पर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से हम इतना प्रचार नहीं करते जितना कि हमारे विरोधी करते हैं। वो काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा, हम काम ज्यादा करते हैं और प्रचार कम। और अगले एक साल में आ गया है प्रचार का समय, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन, पीसीसी अध्यक्ष, सभी लोग प्रचार में लगेंगे। हम ये प्रचार उपलब्धियों के आधार पर कर रहे हैं, कोई झूठे मोटे वादे के आधार पर नहीं कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के बारे में राहुल जी ने खुद देखा, किडनी ट्रांसप्लांट, एक नौजवान और एक लड़का जो लाभार्थी थे चिरंजीवी योजना के। तो अचीवमेंट के आधार पर प्रचार करना और झूठे वादे या झूठ के आधार पर प्रचार करना दो अलग चीज होते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने, मैं समझता हूँ, हमारे सरकार को, हमारे संगठन को और मजबूत बनाया है, ताकि अगले कुछ महीने में हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम सही ढंग से प्रचार करें, जनता के बीच पहुँचाएँ और लोगों को बताएं कि हमने जो वादा किया था 2018 में, हमने पूरा किया है।